अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग फिर आ गए। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी कि बात करने की जरूरत आनी पड़ी। नमस्ते, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं रैपअप। रैपअप के पंचायत के दूसरे एपिसोड में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। फिल्में देखना किसे नहीं पसंद, हम सब बड़े ही चाव से हर तरह की फिल्में हॉल में देखने जाते हैं या फिर चोरी वाली ऐप से भी तो देख ही लेते हैं। तो पिछले कुछ दिनों पहले हम हमारे साथियों के साथ गए एक ऐसी ही फिल्म देखने जिसका नाम था क्रू। इस फिल्म के बारे में और बॉलीवुड की फिल्म के बारे में भी इन जनरल फिल्मों को लेकर हमारे साथी क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं यश, रोहित, पल्लवी और प्रद्युम्न। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी पल्लवी आपसे। आप बताइए कि क्रू फिल्म जो आप देखने के लिए गई, आपको कैसी लगी और इसके बारे में आपकी क्या राय है ये बताइए। हम सभी साथ में क्रू मूवी देखने गए थे और हमने क्रू मूवी सिर्फ इंटरवल तक देखी और इंटरवल में छोड़ छाड़ करके हम आ गए और फिर हमने एक दूसरे को गाली दी कि ये मूवी का प्लान किसने बनाया था और सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये मूवी का प्लान तुम्हारा था। तो जो मूवी थी वो कुछ खास नहीं थी। क्रू बहुत ही मतलब एक बेसिक स्टोरी लाइन में कहूँगी और इंटरवल तक उस मूवी को इतना ज़्यादा खींच दिया कि जो ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा बोर हो गई कि क्या है ये। जबकि ऐसा था कि तीन अलग अलग जनरेशन की हीरोइन है उसमें, तो मूवी बहुत हिट चली जाएगी ऐसा लोगों ने अपेक्षाएं लगाई हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और खींच तो लिया मूवी ने अपनी तरफ, हीरोइन थी कि कुछ ना कुछ तो होगा भाई। और ज्यादातर पूरे थिएटर में लड़के पहुंचे हुए थे कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन सब बोर हो गए थे, सबको देख के पता चल रहा था। तो मेरी तरफ से तो मैं मूवी को 2 या 3 की रेटिंग दूंगी बस। बहुत ज्यादा दे दिया आपने, 5 में से 10 में से 100 में से। ठीक है, रोहित आपसे जानना चाहूंगी कि क्रू जब आप फिल्में देखने गए तो आपने उस फिल्म का चयन क्यों किया, सबसे पहले तो ये बात की बताइए। तो मैं क्रू देखने के पक्ष में नहीं था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्रू से ज्यादा बेहतर मूवी देखी जा सकती है। वीर सावरकर देख रहे थे लेकिन विवादों में नहीं फंसना चाहते तो क्रू इन्होंने नहीं, मतलब मैंने तो इनको JNU सजेस्ट किया था लेकिन किसी ने बताया कि वो भी लगी नहीं है। फिर रोहित जी ने ही चुना है, रोहित सबसे मुख्य अपराधी है। नहीं, क्रू मूवी चुनने के मतलब मुझे कई लोगों ने बताया कि मूवी अच्छी है। अब पर्सपेक्टिव वाली मूवी होती है, हम सबकी पर्सपेक्टिव में वो मूवी अच्छी नहीं थी। मेरी पर्सपेक्टिव में मूवी अच्छी नहीं थी, अब देख लिया तो उसमें कुछ चीजें पसंद आ गई। जैसे कि उसका एक गाना जो था सोना कितना सोना है, वो अच्छा लगा। वो तो रिमिक्स है, मतलब हाँ। पुराने गाने पर उस गाने को भी बिगाड़ दिया गया थोड़ा, नॉस्टैल्जिया टाइप। चोली के नीचे क्या है उसका भी, वो मूवी ही थोड़ी सी अजीब बन गई। वैसे सेम मूवी आई हुई है, इस मूवी को गौर से देखा जाए तो ये मूवी जो है प्लेयर्स एक मूवी आई थी जिसमें कि सब लोग चोरी करने जाते हैं तो सोने से कार बना देते हैं सब लोग, तो इससे तो ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट था यार, यहाँ पे सोने से चॉकलेट बना रहे हैं ये लोग। तो यश आपसे पूछना चाहूंगी कि बॉलीवुड मतलब हाल ही के दिनों में जो मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा है, काफी लोग कह रहे हैं कि कंटेंट में वो बात नहीं रही। मतलब कि जैसे उदाहरण ये क्रू का है, तो बस ऐसा सोचते लोग कि मल्टी स्टार्स को उसमें फिल्म में जितने ले सकते हो ले लो, फिल्में चल पड़ेंगी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्रू मूवी के बारे में मेरा जो अनुभव रहा वो ऐसे रहा कि जैसे गोबर के ऊपर गार्निश कर दिया जाए जैसे मतलब मेकर्स ने काफी मेहनत के साथ मूवी बनाई है। नहीं नहीं, उसमें तो आपने 3 हीरोइन ला दी, उसमें आपने हीरो डाल दिया, एक तो गोबर के ऊपर गार्निश कर दिया है, मतलब यहाँ पे आपने गोबर को क्या माना है? नहीं नहीं, गोबर को मैंने ये माना है कि उसकी जो स्टोरी थी वो प्रचलित स्टोरीज हैं, ऐसी स्मगलिंग वाली फिल्म में बनती रहती हैं। आपने स्टार्स को मतलब उस पर गार्निश कर दी स्टार्स की, तो आप सोच रहे थे कि वो बहुत फेमस मूवी हो जाएगी। मतलब पूरी मूवी बीत रही है, इंटरमिशन का समय आ रहा है और ट्रेलर ही खत्म नहीं हो रहा है क्या? मतलब ऐसी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। प्लेन से मूवी स्टार्ट हुई और इंटरवल तक प्लेन तक ही चलती रही, प्लेन में ही चलती रही। वो स्टोरी ही बताते रहते हैं कि अभी ये हो रहा है, पास्ट में चल रहा है सब कुछ, प्रेजेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, इंटरवल हो चुका है। और इंटरवल से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमारा इंटरवल हो चुका है, हमने कहा अब नहीं जाएंगे वापस। ये हमारा हाई टाइम था कि हम निकल जाए। हमें समझ में आ रहा है कि
ये जो तीनों हीरोइन है मतलब जो लीड कैरेक्टर्स पे है क्या नाम राणा फ्रॉम हरियाणा, राणा फ्रॉम हरियाणा, क्रेटी सनन का नाम उसमें कुछ है, दिखा तो दिया लेकिन हरियाणवी कहीं से नहीं लग रही बिल्कुल। हाँ अच्छा। वो बता नहीं कास्टिंग में भी मुझे थोड़ा सा लगा। एक सीन आया था जिसमें कि वो खेलती है स्टेट के लिए तो वो वहां पे थोड़ा बहुत लगा कि हाँ हरियाणा से खेल रही होंगी वो, बाकी कोई छवि नहीं दिखाई पड़ी कि वो हरियाणा से हैं, ये बात तो सही है। तब्बू बिल्कुल भी अनफिट थी इस रोल के लिए। हाँ। वो हाँ। उनसे हम किसी उस रोल में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। दृश्यम अच्छा था उनका, बिल्कुल वहाँ पे अगर उनको किसी मम्मी का रोल दे दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। मतलब आप उस जनरेशन की, यश आपकी बात को बीच में काटना चाहूंगी, बताइए। आपने कहा तब्बू को माँ का रोल दे दिया जाता जी, क्या वजह है कि हमारा जो मतलब हमारी जो एक मेंटालिटी बन गई, मैं आपको नहीं कह रही कि जैसे शाहरुख हैं, सलमान हैं, उनके साथ के एक्टर्स जी जी वो आज भी लीड रोल करते हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। नहीं मैं उनके भी खिलाफ हूँ। मैं हाँ लेकिन हम जब महिलाओं की बात आती है तो हमारे दिमाग में ये छवि क्यों है कि अब इनको हीरोइन का रोल नहीं। देखिए जागृति, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ एक चीज, उसी में मैं जोड़ूंगी कि वही सेम चीज प्रीति चिंटा के साथ अब देखने को मिल रही है। वो उन्हें कुछ ज्यादा मूवीज कोई दे नहीं रहा, वो नहीं कर पाती और पता नहीं ऐसी कितनी हीरोइन। बात ये है कि उम्र के साथ आपके किरदार में वो चीजें दिखने लगती हैं, वो चाहे शाहरुख खान हो सलमान खान हो, इंडस्ट्री उनकी डिमांड कर रही है, वो अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके पीछे के कई कारण हैं। बॉलीवुड में आप जानते हैं कि पैसा और वो सब बहुत सी चीजें हैं, सुपरस्टार एक छवि बन जाना और वो सब चीजें। ऐसे ही जैसे आपने बोला तब्बू के बारे में, तो तब्बू की उम्र अब ढल चुकी है, आप मतलब वैसा रोल देंगे तो वो फिट नहीं बैठ पाता, कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दया और जहां तक पुराने हीरोइंस को हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते, कुछ साल पहले काजोल और शाहरुख ने दिलवाले मूवी बनाई थी, काजोल ने उसमें हीरोइन का रोल किया था और शानदार रोल किया था वो मूवी। मुझे जानते याद है फ्लॉप हो गई, और मूवी भले ही फ्लॉप हुई हो, वरुण धवन के साथ उसमें कृति सनन थी और शाहरुख खान और काजोल थे, बहुत शानदार मूवी मिली मुझे। नहीं जागृति बहुत अच्छी लगी। नहीं जागृति मैं बता दूं, जैसे कुछ अपवाद भी हैं, सोनम कपूर ने एक फिल्म करी थी रांझना, उसमें उन्होंने छोटी बच्ची का रोल किया है, 7th-8th क्लास की बच्ची का, तो वो रोल वहां पर एकदम फिट बैठा हुआ दिखाई देता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो विद्वानों में मतभेद है। ठीक है अब प्रद्युम्न जी काफी विद्वानों में मतभेद है, तो प्रद्युम्न मैं आपसे एक सवाल है जो मैं बाकी लोगों से भी पूछूंगी कि इस तरह जो फिल्मों में जो महिलाओं को पोर्ट्रे किया जाता है फेमिनिज्म के नाम पे क्लबिंग दिखाना या फिर वो बाहर जा रही हैं लड़कों के साथ घूम रही है, तो ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि यही बस यही फेमिनिज्म है, यही अचीव करना चाहिए लड़कियों को, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए हम लड़के हैं, अगर इस मुद्दे पे अगर हमने कुछ टिप्पणी करी तो विवाद हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे को पल्लवी जी ही टैकल करें। हाँ। तो प्लीज पल्लवी जी। श्योर श्योर। ये इसका जवाब मैं बहुत जगह अलग अलग संस्थानों में दे चुकी हूँ। रैपअप भी सुनना चाहिए आपके। जी तो इस तरीके की जो मूवीज है जैसा आपने कहा कि वही आप ऐसी हरकतें करती है, बाहर जाती है, पीती है, आपको आजादी है इन सब चीजों की, तो यही एक फेमिनिस्ट का डेफिनेशन बॉलीवुड ने बना के दिखा दिया हमारे दर्शकों को कि यही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ना वो एक लाइन है ना, जब तक भारत में सिनेमा रहेगा लोग चूतिया बनते रहेंगे। ये एक चीज मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक चीज है एक पहलू से देखा जाए। दूसरे पहलू से ये कि इतने फिल्में इतनी भी घटिया नहीं होती। कुछ लोग, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मानना ये है कि साहित्य और जो फिल्म है वो लोगों को, हाँ सिनेमा वो लोगों को बिगाड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं जी, है। मैं बिल्कुल अग्री हूं। हाँ मैं ये चीज नहीं मानती, साहित्य और सिनेमा, वो गंदा सिनेमा और गंदा साहित्य होता है, उसके आगे गंदा शब्द लगा रहता है, लेकिन एक साहित्य और सिनेमा का अलग उसकी वो एक आर्ट है, ऐसा आर्ट ही उसको देखा जाए। गंदा सिनेमा या गंदा साहित्य भी तो समाज के उसी कोनों से बन के आता है जो कि लोग नहीं देख पाते जी। ऐसा भी कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो आप वो दिखा रहा है कि समाज में क्या चल रहा है। कभी कभी अपवाद हो सकते हैं कि वो जो नहीं चल रहा है वो भी दिखा दिया गया है, फिर कुछ जस्टिफाई भी करते हैं उसमें, लिखते हैं डिस्क्लेमर वगैरह। आपको आपने बताया साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो आपको नहीं लगता है कि एक वो भी सेट मानक सेट किया जाता है कि इस तरीके से आपको बिहेव करना है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, सलमान खान
वो फटा हुआ टी शर्ट जिसके अंदर एक छोटा सा छेद था, तो अब क्योंकि अब उनके फैंस वो देखेंगे तो फिर उस तरीके से वो पहनने स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि अभी फटा हुआ जींस उर्फी जावेद आजकल अपने स्टाइल को लेकर काफी वो। और दूसरा ये है कि वो आप दर्पण पे दर्पण लगाने की बात कर रहे हैं, वो समाज का दर्पण नहीं है, ठीक है, वो एक आभासी दर्पण है जिसको समाज अपने ऊपर थोपने लगा है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो स्टोरीज बनती हैं, जो फिल्में बन रही हैं, जो साहित्य लिखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही ओरिजिनेट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। एक दौर आता है, मतलब कपड़ों पे मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं मूवीज को देख कर ज़्यादातर लोग, कि एक दौर आता है जब कपड़े पूरा टाइट हो जाते हैं, फिर ओवर साइज का दौर आता है, फिर जब हम जिस जनरेशन में होते हैं हम पीछे वाले को देखते हैं तो क्या पहन रहे हैं। फिलहाल हमारे उर्फी जावेद का दौर चल रहा है मतलब। आप लोग दोनों उर्फी जावेद से बहुत ज्यादा प्रभावित लग रहे हो। मतलब हम प्रभावित हैं, मतलब दो मायनों में प्रभावित हो सकते हैं कि एक तो जो उसका फैशन सेंस है उसको बहुत अच्छा भी कह सकते हैं और बहुत बुरा भी कह सकते हैं। मतलब मैं अपनी राय नहीं रखना चाहता इस मुद्दे पे, विवाद हो जाएगा। तो सिनेमा की बात कर रहे थे तो वहां से टॉपिक थोड़ा सा भटक गया। इसमें अभी हाल ही की कुछ मूवीज की अगर हम बात करें, थैंक यू फॉर कमिंग, मैंने मूवी का ट्रेलर देखा और ट्रेलर से ही मुझे समझ में आ गया कि मूवी बकवास होने वाली है। इनफैक्ट फोर मोर शॉट्स को भी अगर देखा जाए तो इसी वो सीरीज बहुत ज्यादा विवादों में भी रही थी, जहां तक मुझे लगता है कि मतलब चार लड़कियां आप ला तो गए, डाल तो दिया, आप पता नहीं क्या कन्वे करना चाहते हैं। मतलब वो सीरीज मैं एक्सेप्ट करूंगी कि मैंने वो सीरीज देखी है, मतलब पहले मुझे लगा कहीं ये व्यंग तो नहीं है फेमिनिज्म पे, ये व्यंग तो नहीं बना के दिखाना चाह रहे कि लड़कियां ऐसा करती हैं, लेकिन जिस तरीके से उसमें दिखाया गया था, एक लड़की है वो मतलब इसमें LGBTQ वाला भी एक एंगल लाने की कोशिश की, लेकिन उसे किस तरीके से दिखाया कि एक लड़की है, दोनों लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती है, समाज के सामने खुद को एक्सेप्ट भी करती है, लेकिन शादी वाले दिन दूसरी वाली लड़की स्टेप पीछे रख लेती है। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि ज़्यादातर जो इस कैटेगरी से आते हैं वो लोग ऐसे होते हैं, और उसमें उनकी उसकी जो फ्रेंड्स है वो उसे ये कन्वे करती है कि नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया है, ऐसा अगर तुम किसी लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में तो उसी के साथ उसके साथ भी तो यही करती, तुमने लड़की के साथ क्या अलग किया है, है ना। तो ठीक है, मेरे भाइयों को ये बात अच्छी नहीं लगी। दूसरा जो एक टॉपिक में बात करना चाहूंगी कि क्या ऐसी बात है कि जब भी हम फिल्मों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्में ही आती है, क्यों रीजनल फिल्में? आजकल खैर दौर बदला है, रीजनल फिल्मों को पहचान मिल रही है, पर यश आप बताइए कि क्यों उतना छोटे में बताइएगा, बहुत लंबा आगे नहीं आ पाती। नहीं लंबा बोलेंगे तो लंबा ही होगा ना। हाँ जी जी, तो देखिए जागृति, इसका जो मतलब सबसे जरूरी तो नहीं बोलूंगा, मतलब जो मेन कारण है वो ये है कि बॉलीवुड ने शुरुआत से ही फिल्मों पर अपना दबदबा बना लिया, मोनोपोली बना ली। कुछ और सिनेमाज उभर कर आ रहे हैं लेकिन वो उतना कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अब आप 1913 से देख रहे हैं कि मूवीज आना शुरू होती हैं, और फिर मतलब उससे पहले भी आ रही थी, ऐसी बात नहीं है, पर वो उस तरह से मूवीज आ रही थी। भारतीय सिनेमा नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहले बंगाली फिल्म का दौर शुरू हुआ था, सबसे पहले भारत में भी। आप सत्यजीत रे की मूवीज से बच नहीं सकते, उनको आपको क्रेडिट देना पड़ जाता है। वो बात सही है, लेकिन इतिहास की किताबें और जिस तरह से पढ़ाया जाता है तो बच्चों को तो ऐसा ही लगता है ना कि वो 1913 से ही सब कुछ शुरू हो रहा है, लेकिन बंगाली फिल्म से उसे पुराना इतिहास है। मैंने शुरुआत में बोला कि इतिहास बहुत पुराना है, ऐसी बात नहीं है। 1918 के अराउंड का, लेकिन बॉलीवुड में आसपास का इतिहास है, आइकॉनिक फिल्में और ऐसे अभिनेता हमें लाके दिए हैं कि बॉलीवुड का दबदबा ज्यादा रहा है, लेकिन आज के टाइम पे मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं है। रीमेक्स बन रहे, क्यों बन रहे? क्योंकि बॉलीवुड के पास अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट। दूसरा सबसे बड़ा गढ़ ये भी है कि हिंदी भाषी लोग सबसे ज्यादा है, और जो नहीं भी हिंदी भाषी हैं वो भी हिंदी समझ रहे हैं। हिंदी प्रदेशों में की ये दिक्कत है कि वो दूसरी भाषाएं नहीं समझते हैं, इस वजह से हो सकता है कि पॉपुलैरिटी थोड़ी कम रही है। आप रोहित, रीजनल फिल्मों को लेकर क्या सोचते हैं? हाल ही में मुझे पल्लवी ने एक मूवी दिखाई थी, तुम्बाड, शानदार मूवी थी, काफी मतलब हॉरर मूवी है, बहुत अच्छी। हाँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपको हॉरर मूवी पसंद हो तो काफी सही मूवी है, वो हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। आजकल का दौर, आप सभी ने बाहुबली देखा होगा, बाहुबली हिंदी भाषा में बनी ही नहीं है, वो मूवी हिंदी भाषा में उसको डबिंग किया गया। तो मतलब आपके मन में जितने भी शानदार मूवीज आ रहे हैं साउथ के, वो सारे डबिंग करके आपके मन पे छवि बना चुके हैं। अब हिंदी ऐसी कौन सी मूवी थी? पठान,
उसने डबिंग किया और वो डबिंग करके पूरे देश के लोगों ने उसको देखा है, मतलब ऑब्वियस बात है शाहरुख खान एक स्टार हैं, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। आप बताइए कि आपको कोई ऐसी मूवी जो आप चाहते हैं कि रैप अप के दर्शक उसे जरूर देखें, मतलब उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई हो, आप एक या दो मूवी सजेस्ट करिए। आप मुझसे शुरू कीजिए। जी हाँ जी, लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आप अपना फोन बहुत चला रहे थे आज के एपिसोड के दौरान, तो आप पहले ये बताइए कि आप फिल्म में जल्दी जल्दी। मैं फोन में ये देख रहा था कि किस तरीके से मूवी का ही देख रहा था मैं। मैंने एक पूरा नोट बना के मैं लाया था कि मैं अपनी जी 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 जी। तो एक मूवी जो मैं अपने दर्शकों को, वो थोड़ी पुरानी है, कोविड के दौरान उसको रिलीज किया गया था, जय भीम मूवी का नाम है। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप सबको देखना चाहिए। दलित समाज के ऊपर वो मूवी बनाई गई है, आप सबने शायद देखा है। स्पॉइलर मत दीजिए। जी बिल्कुल, आगे अब मैं कुंभालंगी नाइट्स और ट्रांस जैसी मूवी रिकमेंड करूंगी, मलयालम इंडस्ट्री से आती है और अमेज़न प्राइम पे मिल जाएंगी। ओके रोहित आप बताइए। मैं नई मूवी में हाई नन्ना बोलूंगा लोगों को देखने के लिए, हाई पापा करके हिंदी में है। और पुरानी मूवी में गुरुदत्त की प्यासा जरूर देख लेनी चाहिए। मुझे गुलाबी गैंग बहुत पसंद है, और हालिया मूवी में मैं मतलब बहुत दिन से मूवी नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा कम हो गया देखना, 12th फेल बहुत शानदार मूवी है। आप भी, मैं चाहूंगा कि आप भी बताएं जरा। हाँ, तो दो ऐसी फिल्में हैं जो मैं चाहूंगी कि दर्शकों ने नहीं देखी हो तो जरूर देखें। एक है अल्फ्रेड हिचकॉक द्वारा अभिनीत साइको, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, ये थ्रिलर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इस मूवी को जरूर देखें। दूसरी जो फिल्म मैं चाहूंगी आप एक महिला होने के तौर पर जो आपको जरूर देखनी चाहिए वो है थेल्मा एंड लुइस। ये दो महिलाओं की आज़ादी पर आधारित फिल्म है, तो ये फिल्में ज़रूर देखिए। तो आज के पंचायत के एपिसोड में बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों को कौन सी फिल्म पसंद है और क्रू अगर आपने देखी है तो आपका इस बारे में क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टार जरूर दीजिएगा, 100 में से कितने स्टार देंगे, 100 में से कितने स्टार देने हैं आपको ये भी बताइएगा। हाँ, तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही रैपअप। बहुत बहुत